हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बशीर टीवी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी वीडियो के शुरू में से देखा था स्टेटस बुक वर्क वाला, दोस्तों अगर आप इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते थे इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आप इस तरह का स्टेटस नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है और पिक्सल ऐप एप्लीकेशन, इन दोनों एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक जो है मैंने दोस्तों नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप इनको प्ले स्टोर से या किसी भी क्रोम ब्राउज़र से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो की जानम जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के ऑप्शन को भी दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। चलो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों उस तरह का स्टेटस बनाने के लिए दोस्तों आपने सबसे पहले जो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे दोस्तों आपने यहाँ ऊपर साइड पे 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ नीचे 5वें वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज एंड साइज वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से यहाँ पे पहले वाले पे आपने क्लिक करना है और इसको यहाँ पे दोस्तों आपने 9 लिख देना है और डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों आपने दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपने 16 लिख देना है, यानी कि 16 लिख देना है और इसको यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपने ऊपर बाल्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से नीचे आ जाना है और यहाँ 4थे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है नीचे, और ऊपर कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपने इसको ऊपर कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आपने इसको वाइट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आपने टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ इमेज एंड वीडियो वाले फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी एक फ़ोटो ले लेनी है, जो भी आप जिस फोटो का भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो वाली फ़ोटो यहाँ से दोस्तों आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ले लेता हूँ। मेरे पास दोस्तों ये गर्ल वाली एक फ़ोटो पड़ी थी तो मैंने इसे ले लिया। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी फ़ोटो को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आपने इसको खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर लेना और यहाँ पे दोस्तों आपने कुछ इस तरह से, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपने इसको साइड से कुछ इस तरह से आपने इसको छोटा कर लेना। इस तरह से इसके बाद दोस्तों आपने डिलीट के साथ वाले क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आपने इसको कुछ इस तरह से यहाँ से साइड से क्रॉप कर लेना और यहाँ टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों आपने इसको यहाँ साइड से खींच कर थोड़ा सा छोटा कर लेना इस तरह से, और इसको यहाँ से खींच कर थोड़ा सा दोस्तों आपने अपनी फ़ोटो को बड़ा कर लेना और यहाँ पर दोस्तों आपने नीचे आ जाना है, रिलेटिव पोजिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपने यहाँ ऊपर वाले बीच वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपने क्लिक कर देना और यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे भी दोस्तों आपने क्लिक करके ऊपर टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे दोस्तों हमारी जो फ़ोटो है वो बीच में आ चुकी है, तो यहाँ पे दोस्तों आपने नीचे आना है, यहाँ दायरे स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपने इसको इनेबल कर देना है और इसका जो कलर है उसको आपने दोस्तों ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी वाइट सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने 5 तक कर देना और यहाँ नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ शेडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना और इसका जो कलर है दोस्तों आपने ब्लैक सेलेक्ट कर लेना और इसको दोस्तों आपने 12 तक कर देना है, 12 तक दोस्तों आपने इसको कर देना और ऊपर टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर देना। तो
यहाँ पे दोस्तों हमारी जो ये काम है ये मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों आपने तमाम फ़ोटो को इसी तरह से आपने बना लेना है। बनाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ ऊपर यहाँ जहाँ पे ये प्लस वाला ऑप्शन बना हुआ है, इसके साथ ही ये कार्ड वाला ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपने सेव एज इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पे दोस्तों आपने सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये जो आपकी फ़ोटो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है यहाँ पे दोस्तों इसको दोस्तों आपने हाई कर लेना कुछ इस तरह से और यहाँ सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेना। इसी तरह से दोस्तों आप जितने बड़ा भी जितनी फ़ोटो का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उन तमाम फ़ोटो को यहाँ से दोस्तों आपने इसी तरह से बना लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन में आ जाना है। इसमें आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपने 9x16 वाला रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से अपनी उन तमाम जो आपने फ़ोटो बनाई हैं उनको दोस्तों आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों उन तमाम फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जो मैंने बनाई हुई हैं। इसी तरह से दोस्तों आप इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वो तमाम फ़ोटो को ऐड कर लिया और ऊपर टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इनको ओके कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने अब ये जो बीच में प्लस का आइकॉन बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपने इन तमाम फ़ोटो को आपने एक एनिमेशन देना है जिसका नाम है बुक वर्म। इस ऐप एनिमेशन का नेम है बुक वर्म। इसको दोस्तों आपने यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ नीचे जहाँ पे ये गेट मोर का ऑप्शन बना हुआ है, ये हाउस जैसा कुछ बना हुआ है, शॉप वगैरह की फ़ोटो बनी हुई, इस गेट मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इसको वहाँ पे जाकर आपने इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए दोस्तों आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है ताकि आपका टाइम बच सके। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपने बुक वर्म वाली एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपने इसको पहली वाली एनिमेशन दे देनी है और इसके स्पीड को दोस्तों आपने कुछ इस तरह से आप एक तक कर दीजिए कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपने टिक का ऑप्शन क्लिक करके इसको ओके कर देना और अगले वाले प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसी तरह से दोस्तों आपने उसी ऑप्शन पर क्लिक करके इसको दूसरी वाली एनिमेशन दे देनी है और इसके साइज को भी दोस्तों आपने एक कर लेना है कुछ इस तरह से। इसी तरह से दोस्तों आपने यहाँ पे दोस्तों आपने पहली वाली फ़ोटो पर क्लिक करना और इसको कुछ इस तरह से छोटा कर लेना, दूसरी वाली पे क्लिक करके आपने इसको भी छोटा कर लेना। इसी तरह से दोस्तों आपने तमाम जो प्लस हैं फ़ोटो की प्लस के आइकॉन बने हुए हैं उनमें आपने दोस्तों एनिमेशन दे देनी है और उन फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेना है इसी तरह से। तो दोस्तों मैंने आपका टाइम बचाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले से ही करके रखा हुआ है इसको, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने करके इन तमाम फ़ोटोज़ को मैंने एनिमेशन दी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने साउंड भी ऐड किया हुआ है। आपने साउंड ऐड करने के लिए दोस्तों आप अगर आपके पास ऑडियो सॉन्ग साउंड है तो उसको दोस्तों आपने ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे पास वीडियो में सॉन्ग है तो मैं यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मीडिया के ऑप्शन पे चले जाऊँगा। मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे मैं ढूँढ लेता हूँ कहाँ पे मेरी वीडियो पड़ी है, तो उससे मैं साउंड निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी वीडियो पड़ी है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आपने साइड वाले ऑप्शनों पर क्लिक करके या एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी ऑडियो निकाल लेनी है और वीडियो को यहाँ से बाल्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो तैयार हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बीच में आप अपनी फ़ोटो भी दे सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी दी हुई है इस तरह से। दोस्तों इसको अपनी गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों आपने ऊपर तीर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तीर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको HD 720p करके और यहाँ पे दोस्तों आपने इसको 60 रहने देना और यहाँ पट्टी इस वाली पट्टी को दोस्तों आपने बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये दोस्तों MB बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपनी वीडियो को जितनी भी ज़्यादा MB का रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इस वाले स्टेटस को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो दोस्तों फिलहाल मैं नहीं करता। तो दोस्तों कैसे लगी मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, शुक्रिया।